आज हमारे देवर की शादी है, बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। हो गए देखो, पीछे सारे पीली ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं सारे लोग, चाहे पहाड़ की शादी हो शहर की हो, तो सारे लोग पीले। तो गांव वाली शादी का खाना ना सामूहिक बनता है, तो यहाँ पे बन रहा है खाना। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम नमस्कार। पहला उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज फिर से सातवीं नवरात्रि में आप सभी की माँ कालरात्रि सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो चलिए फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं रेडी हो चुकी हूँ सुबह नहाने धोने के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद। तो आज जाना है मेरे को ऑफिस। उसके बाद जैसे मैंने कल बताया था ना कि शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो वैसे ही बैसाख के बाद मांगलिक काम शुरू हो जाते हैं बैसाख के महीने में। तो आज हमारे स्टाफ में शादी है, महिला संगीत है, तो सोचा है कि काम खत्म करने के बाद हम वहाँ भी जाएंगे, तो हम दिखाएंगे आपको पहाड़ी शादी। तो बने रहिएगा। और मैं जा रही हूँ आज बस एक सूट पहन के। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने ऑफिस वाले रूट पे। और आज वेदर ना मतलब दो तीन दिन से तो ऐसा धुंध सा हो रहा है, हल्के बादल, और फिर क्या हो रहा है, बहुत टाइम से बारिश नहीं हो रही ना, तो जगह जगह जंगलों में आग लग गई है, तो उसकी वजह से भी इतनी धुंध बनी हुई है। तो चलिए फिर पहले ऑफिस का काम करते हैं। और आज ना देखो, कल मैंने मेहंदी की थी तो थोड़ा सा बाल भी मेरे ठीक से हो रहे हैं, स्मूथ लग रहे हैं आज। और आज मैंने थोड़ा सा मेकअप करने की कोशिश की है, नहीं तो और दिन क्या होता ना, जल्दी उठो और काम निपटाओ और भागो। तो आज मैंने, मेरे को मेकअप आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा आज लुक चेंज किया जाए। तो चलिए फिर निपटाते हैं काम, और फिर मिलेंगे हम आपको शादी के लिए जब जाएंगे ना, तो मिलेंगे। तो शादी वाला घर रहा ये ऊपर, तो रोड से हमें जाना है ऊपर, और ऐसी रोड थी ना, ऑफ रोडिंग से आए हम लोग उधर से, तो मैंने गंगा दी को वहीं उतार दिया था। तो ये देखो ऐसी रोड थी, बिल्कुल ना ऐसे गधेरे थे, मैंने गंगा दी को वहाँ उतार दिया था, क्योंकि बिल्कुल इतने रोड़े हो रहे थे ना, तो कैसे आते। अब यहाँ से हमको जाना है ऊपर, चढ़ना है शादी वाले घर के लिए। तुम्हारी दुकान में खड़ा हुआ है यार, मैंने तो हाफ प्लेट मांगा वहाँ कोई। तो शादी वाले घर में पहुँच गए हैं, और शादी वाले घर में जाते ही बच्ची की ड्यूटी है चाय देने की। होती थी अब तो पूरे ऐसा बताना। हाँ, लड़की लड़के को आज शादी में देख रही, परस्पर समझ नहीं। सही बात, उल्टा चेंज देख रही है उनका, ब्योल का ब्योल ब्योल के ऑनलाइन। अब आजकल हमको वो मंत्र का हम कौन ले रहा। सही बात है। शादी है, बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो हिमादी पूरे पारंपरिक परिधान में है, नथ मांटिका और ये सब लगा रखा है इन्होंने। और हल्दी हो गई, देखो पीछे सारे पीली ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं सारे लोग। अच्छी लग रही गंदी में, बहुत अच्छी लग रहे हो, बहुत अच्छी लग रहे हो सही में। तो अभी नाचोगे फिर? जी हाँ, अभी महिला संगीत। तो महिला संगीत के लिए फिर कुछ और ड्रेस होगा, तो चाहे पहाड़ की शादी हो शहर की हो, तो सारे लोग पीली ड्रेस में रहते हैं। देखो इतने सुंदर लग रहे सारे लोग, और हम भी यहाँ से देख रहे हैं हल्दी को। आप भी आना। हाँ, हमारे आप करो तो हम आते हैं। ये अब बताओ नाम, बताओ नाम, बताओ बताओ नाम तो बताओ। नहीं करेगी, बहुत बहुत बधाई। Thank you.
है दुल्हन दूल्हे की बहनें जो परात उठाएंगी, और इधर पानी तैयार हो गया है हल्दी का, अब नहलाते हैं दूल्हे को। यहाँ पर शूट चल रहा है पानी डालने वाला, तो हल्दी वाला पानी डालेंगे दूल्हे के ऊपर। तो स्टाफ वाले हेल्प कर रहे हैं पानी डालने के लिए। ये देखो खाना खाने के बाद इनको सीट नहीं मिली, तो देखो कैसे बैठे हैं, क्योंकि बाकी लोगों ने ना सारे महिला संगीत के लिए बैठे हैं ये लोग। ये देखो अभी तक डांस कर, आराम से बैलेंस जाएगा। तो हम लोग निकलने लग गए घर यहाँ से, शादी वाले घर से, तो हमें जाना इतने डाउन में यहाँ रोड में डांस करने। आराम से, कैसी लगी पहाड़ी शादी? बड़ी अच्छा, अच्छी थी, अड्डी बड़ी केरला। चलो भाई ये तो निकले, हम भी आते हैं पीछे से। बाय बाय। और मैंने अपनी स्कूटी पार्क की है इधर, तो यहाँ से लेके जाऊंगी मैं, क्योंकि रोड बहुत खराब है ना, तो इसलिए। चलिए जी, शादी वाले घर से हम भी आ गए हैं, तो मेरी स्कूटी पार्क है इधर कच्ची रोड में, तो यहाँ से निकलते हैं, और शायद अगर मौका मिलेगा तो कल जाएंगे, क्योंकि स्टाफ की शादी है, तो बारात देखने जा सकते हैं थोड़ी देर। तो उम्मीद है कि आज की पहाड़ी शादी आपको पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई हो तो एक पहाड़ी शादी के लिए ज़रूर लाइक करें, तो लोग बहुत सारे इन्जॉय करते हैं। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।